अब हम लोग को देखना है अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन देखना है? तीसरी कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना होती है 1600 में। तो स्थापना हो गया, सोचा सब कि हाँ हम लोग मिलके कब्जा करेंगे, लोग भारत में जाएंगे, व्यापार करेंगे, वहां जितना मिलेगा लेके आ जाएंगे, सामान वहां से सस्ता खरीदेंगे, यहाँ आके महंगा में बेच देंगे। शुरुआत में उन लोग का यही था, अंग्रेज हमें कब्जा करने ही नहीं आए थे, कमाने आए थे। वो यहाँ आने के बाद देखे थे कि भाई साहब ये देश है कि कौन चीज है, जिसको जहां मन मिल रहा है वो अपन राजा बन जा रहा है। राजा मतलब क्या होता है? देश। राजा मतलब देश। एक देश में दो गो राजा होगा नहीं। तो हमारे यहाँ देखा गया कि भाई साहब देश देश वाली बातें नहीं है, यहाँ जो जिस जाति का है वो अपनी जाति के राजा को सर्वश्रेष्ठ समझ रहा है। वरना भारत को देखेंगे तो सबसे पहले भारत को चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने पूरे अखंड भारत को संभाला, कनिष्क संभाला, हर्षवर्धन आधे भर संभाला, यहाँ पे अकबर संभाला। इसलिए जो बड़े बड़े शासक रहेंगे, सर देखिए अशोक महान, ध्यान से समझते। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना कब हो जाती है? सुन, स्थापना होने वाली दूसरी कंपनी, लेकिन भारत में आने वाली तीसरी कंपनी। डचों की स्थापना इससे बाद हुई, लेकिन वो चले आए सब, लेकिन ये भी नहीं किया। इसमें भी नौटंकी क्या हुआ, स्थापना के समय तो मुगल बादशाह अकबर था, स्थापना के समय मुगल बादशाह, लेकिन जब ये भारत आए लोग तो उस समय जहांगीर था। तो स्थापना के समय 1605 में ना मरता है जी अकबर, तो स्थापना के समय अकबर, लेकिन जब ये भारत में आया तो जहांगीर। किसके समय? जहांगीर। याद कीजिए 1608 में कैप्टन हॉकिंग्स, कैप्टन हॉकिंग्स। ठीक है, चंद्रबिंदु भी लगेगा, कैप्टन हॉकिंग्स। और 1615 थॉमस रो। याद है जागीर के काल में आए थे सब। स्थापना कब हुई थी? अब ध्यान से समझते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, क्योंकि इसको ध्यान से देखना आप लोग को, यही सोच रहे सब यहां रह गया सब। और इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतने समझदार थे, ये किसी भी लड़ाई में उतना ही पड़ते थे जितना इनको फायदा हो, बस बहुत ज्यादा लड़ाई को सीरियस नहीं लेते थे, जहां तक फायदा होगा वहीं तक काम करते थे। इनके लड़ाई का मकसद ही था, इनने राजा बनना ही नहीं था, और भारत के लोगों की मेंटेलिटी था कम में कमाए लेकिन राजा रहे। अब इनका कहना है कि अरे भैया राजा मत दो, हमको कमाने दो यहां पे, बस उसको मतलब नहीं, राजा तुम ही रहो। भारत के आदमी को कमाने से मतलब नहीं था। अभी देखिएगा ना, घर में कुछ रहे ना रहे ताव में देर चलेगा। अब कह दीजिएगा कि अरे थोड़ा आराम से बोलिए, अरे हम झूठ के कहा बतियाएंगे, और कर के बतियाएंगे बकलो। हम लोग यहां सब चीज जहू बहुते जाते हैं, गांव में देखिएगा ना, जो ढेर तो मीडियम टाइप का आदमी रहेगा ढेर उछलेगा, ये तो आदमी परेशान रहता है सबसे। आगे बढ़े तो हम देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आए, इन्होंने अपना पहला कारखाना कहां डाला? सूरत में। पहला कारखाना सूरत में, पहला कारखाना। अच्छा, सूरत में कौन सा खेती हो रहा था? कपास वगैरह अच्छा से मिल जाता, और ब्रिटेन में कपड़े वगैरह के लिए बहुत प्रचलन था। तो महाराष्ट्र और गुजरात के कपास को लेते थे, वहां से धागा वगैरह बना के कहां भेजते थे? ब्रिटेन। और ब्रिटेन से मॉडर्न डिजाइन के कपड़े आते थे, मॉडर्न डिजाइन के कपड़े आते, कोट वगैरह। और वहां की मशीनें देखिए, मशीन से अगर कपड़े को बिनिएगा ना तो उसकी रेसे छोटे रहेंगे, पहनने में थोड़ा स्मूथ रहेगा। यहाँ पे हमारे यहाँ जो था हाथ से चलने वाले हेलमेट थे, वो गमछा ऐसा कपड़ा रहता था, धागवा दिखता था, हाँ इससे से ऐसे गया है यहाँ पे। तो यहाँ ब्रिटेन वाले यहाँ कपड़ा बेचने लगे सब फर्स्ट क्लास, कहा सब कि भाई बहुत फायदा है। और सबसे ज्यादा मार्जिन अगर दवा में है, फिर कपड़ा में है, तीन चीज में कमाई बहुत छुपा रहता है, पते नहीं चलता। दवाई, कपड़ा और बिल्डिंग, जो जमीन उमीन होता है ना जिसे रियल इस्टेट कहते हैं, इसमें बहुत कमाई रहता है, पता ही नहीं चलता है कि कितना का होगा ही, समझे, पता ही नहीं चलता है। 80 पैसा का मास्क था, सर्जिकल मास्क हुआ, जो हरे नहीं हरियर रंग का, एक बार यूज, एक दो बार यूज करके 80 पैसा का, बढ़िया साइज, बढ़िया टाइप, 80 पैसा का। सोचिए मेडिकल में बहुत सारा ऐसी दवाइयां हैं ना जो 15 रुपया की आती हैं, 100 रुपये की बिकती हैं। वो बिल्ड जमीन का व्यापार, अरे एक के जमीन में नहीं है, 4 बार बेच देता है सर। कपड़े वगैरह का भी व्यापार बहुत मार्जिन होता है यहाँ पे, गुजरात वगैरह में जाएंगे, महाराष्ट्र साइड में, वहाँ भी बहुत व्यापार होता है, सबका थोक में कपड़ा बिकते हैं सब।
और कपड़ों का तो आइडिया पुरुष को उतना नहीं रहता है, आप लोग को तो ज्यादा आइडिया रहता है, पुरुष को ही सबसे मतलब नहीं रहता है आपको। उन सो के भरोसे कपड़ा का दुकान चले तो डेली दो कंपनी दिवालिया होगी। पुरुष सबको ना शौक नहीं होता है कपड़ा वपड़ा पहनने का, वो उनको ये होता है कि टोक मत दे, कहता है ए भाई 15 दिन से ये पहन ले बड़ा, वो इस डरे चेंज करता है, उनके अंदर शौक होता है आप लोगों। और अगर उसको शौक हो गया ना कपड़ा वपड़ा चेंज कर रहा है तो समझिए कहीं ना कहीं डेमो दे रहा है। कहीं ना कहीं नया नया बतियाओं शुरू किया है कहीं कहीं, अदरवाइज में उसको शौक नहीं, इंटरनली ना उसको शौक नहीं होता है, नहीं समझे। अगर उसको शौक है, अगर बहुत कहीं बाल उल झाड़ के एकदम निकल रहा है इधर, तो समझिए कि गई लो बाबू अज्जा। तो आप लोगों को तो शौक ही होता है एकदम। यहाँ पे सबका अपना अपना मेंटल बनावट भी ऐसे होता है, सबको अपने अपने यहाँ पे। तो इनों को बहुत फायदा हुआ, किन सबको, ब्रिटेन वाले अंग्रेज वालों को, अंग्रेजों को यहाँ पे। अब अंग्रेज आगे आने लगे सब यहाँ पे, अंग्रेजों ने 3-4 किला बनवा दिया, मद्रास में किला बनाया, कहाँ बनाया, मद्रास में किला बनवा दिया, कलकत्ता में किला बनवाया, कहाँ कहाँ, मद्रास और कलकत्ता में। किला का नाम पूछेगा, किला का नाम मद्रास में है सेंट जॉर्ज, सेंट जॉर्ज, सेंट जॉर्ज किला। कलकत्ता में विलियम किला, विलियम, विलियम किला, विलियम किला, वहां के राजा का नाम था इंग्लैंड का विलियम, विलियम किला। अब देखिए किला को अंग्रेजी में फोर्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फोर्ट, क्या कहेंगे फोर्ट, तो इसको कहेगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। विद्यार्थी को याद नहीं होगा, अरे सीधे बोले सेंट जॉर्ज किला, सेंट जॉर्ज किला, और को बोलेंगे हम फोर्ट सेंट जॉर्ज, लगे को ना दवाई का नाम है, नहीं ना होगा, सेंट जॉर्ज के नाम पे किला बनाया, जैसे अकबर का किला, इलाहाबाद का किला, लाल किला, उसी को कहेंगे रेड फोर्ट, लगे को नया चीज है। सेंट विलियम का किला, फोर्ट विलियम, क्या है ये, फोर्ट विलियम, तो एक हो गया फोर्ट विलियम, सेंट जॉर्ज, ये क्या बनवाया सब, किला बनवाया, सब किला बनवाया यहाँ पे। और इन लोगों को चाहता था सब बहुत ज्यादा व्यापार करने के लिए, इस वजह से इन्होंने देखा कि भारत में विवाद कम से कम रखा जाए, इन्होंने डिस्प्यूट कम से कम रखने की कोशिश किया। तो 1661 ईस्वी में ना, 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा, ब्रिटेन के राजा, ब्रिटेन के राजा और पुर्तगाल की रानी, पुर्तगाल, पुर्तगाल की रानी, ये दोनों फंस गया सब। ब्रिटेन के राजा किसे फंस गया, पुर्तगाल की रानी से। राजा का नाम था चार्ल्स द्वितीय, क्या नाम था, चार्ल्स द्वितीय, फंस गया किससे, कैथरीन से, किससे फंस गया, कैथरीन से, क्या हो गया, कैथरीन से फंस गया। तो ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो गया किससे, कैथरीन से, कैथरीन से। इससे फायदा हुआ ब्रिटेन वाले को, ब्रिटेन वाले को क्या हुआ, फायदा हुआ, क्योंकि पहले से थे पुर्तगाल वाले भारत में, पुर्तगाली सब भारत में पहले से थे, और उनको 100 साल ज्यादा का अनुभव था, और सारा अनुभव साझा कर दिया पुर्तगाल वालों ने किससे, ब्रिटेन वालों को। अब ये तो दोनों सब रिश्तेदार हो गया, सब संधि हो गया सब यहाँ। और ये पुर्तगाल वालों ने कहा कि भाई भारत में अथाह पैसा है, तुमको हम बोलते हैं पैसा कमाओ। तो ये पुर्तगाली सब कहा सब कि हम बंबई बंदरगाह पे कब्जा कर लिए हैं, कहाँ कब्जा कर लिए हैं, बंदरगाह पर कब्जा कर लिए हैं, बंबई बंदरगाह पर। किसने कब्जा कर लिया था, पुर्तगालियों, इन्होंने बंबई बंदरगाह चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया, किसमें दे दिया, दहेज में दिया, क्या पैसा वैसा कोई दिक्कत नहीं, घुमाने उन्होंने लेते आइए गए यहाँ पर, हीरोइन आई सबको भी, कैथरीन उथरीन थी यहाँ पे, इन सबको पता नहीं अभी महारानी कैसे दिमाग का शासन करती, सब हम लोग को कोई खास तो आइडिया नहीं है। हाँ दहेज दिया था पुर्तगालियों ने, दहेज में क्या दे दिया, बंबई बंदरगाह, बंबई बंदरगाह। अभी बंबई बंदरगाह राजा करेगा क्या, तो उसने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी से, किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी, हमको पैसा भाड़ा देना और ये बंदरगाह यूज करो। बंदरगाह यूज करने लगे सब। अब जब यहां पे आया तो देखिए अंग्रेजों के साथ कितना प्लस पॉइंट था, तो जो ब्रिटेन वाले थे सब, कौन वाले, ब्रिटेन, इनसे किसी को झगड़ा, कितना फायदा हुआ, पुर्तगालियों से क्या हो गया, बिया हो गया पुर्तगालियों से, बिया, अब तो कभी ये सब लड़ाई होगा नहीं। तो
ब्रिटेन वाले की, ये तो हुआ सर लड़का वाला हो गया सर, पुर्तगाली बहुत इज्जत करता था सब, समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब ब्रिटेन वाला आया सब, और 1717 फरूख सियर इस ससुरा बीमार पड़ गया, क्या पड़ गया बीमार पड़ गया। अंग्रेज डॉक्टर याद करिए हैमिल्टन, अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन, हैमिल्टन ने क्या किया इलाज किया। इस ससुरे ने फरूख सियर ने क्या कर दिया मान्यता दे दिया, क्या दे दिया मान्यता दे दिया, जिसे ब्रिटेन का क्या कहता है मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। यही फरूख सियर मराठों को भी दिया था, तो पहला मैग्ना कार्टा मिल गया किसको फरूख सियर को। तो ये खुलेआम व्यापार कर सकते थे और पुर्तगाली इन्हें रोकने वाले नहीं थे। अब इन्होंने आगे बढ़ना चालू किया। 1757 आया, 1700 पलासी की लड़ाई लड़ लिया सब, कौन सी लड़ाई अब बंगाल जीत लिया सब, पलासी की लड़ाई में क्या जीत लिया सब बंगाल, अंग्रेजों की ये तीसरी जीत साबित हो गई। पहला पुर्तगालियों से ब्याह कर लिया, अगर पुर्तगालियों से ब्याह नहीं हुआ रहता ना तो भारत में आप दो लड़ाइयां देख रहे होते, पुर्तगाली और अंग्रेज आपस में लड़ रहा होता सब, लेकिन वो ब्याह कर लिया सब यहां पर। ये फंस गई कौन कैथरीन, अब ये फंस गई कि वो फंसा लिया कौन जान रहा है यहां पर। अब ब्याह हो गया, अब भारत का अब कोनो उसे क्या मतलब है यहां पे, ब्याह इसी का हुआ, इससे फायदा इसी को ना हुआ यहां पे, चाहे ही फंसाए चाहे ही फंसाए, चाकू गिरे तरबूजा पे चाहे तरबूजा गिरे चाकू पे। तो आखिर फायदा किसको हो गया, ब्रिटेन वाले को। तो ब्रिटेन वाला को पहला जीत तो यही मिल गया, दूसरा है सियार दे दिया, फरूख सियार वाला क्या दे दिया मान्यता दे दिया, क्या दे दिया मान्यता दे दिया। 1757 में पलासी की बंगाल जीत लिया, क्या जीत लिया बंगाल जीत लिया। 1759 में वेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध मार के डचों को हरा दिया, किसको मरा दिया डच मार दिया, भागो हो गया काम। अंग्रेजों को देखना है कितना तेजी से जीत मिल रही है, सबसे पहले हाँ ब्याह कर लिया फारूक सियर से मान्यता ले ली, 1757 में बंगाल जीत लिया पलासी की युद्ध, वेदरा की युद्ध में डचों को हरा दिया। जस्ट अगले साल 1760 में वाडीवास का युद्ध, कौन सा युद्ध वाडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हरा दिया, किसे हरा दिया फ्रांसीसियों को हरा दिया। 1760 के फ्रांसीसियों युद्ध में किसे हरा दिया, बताइए कितना किस्मत अच्छा है अंग्रेजों का, देख रहे हैं जीतते जा रहे हैं सब जीत रहे हैं कि नहीं। अब देखिए आगे समझिए, जस्ट अगले साल 1761 पानीपत कौन सा लड़ाई, इसमें किसकी हार हो गई मराठों की, अंग्रेजों ने एक गोली नहीं चलाया, अहमद शाह अब्दाली आया मराठों को हराया, मराठे यहां समाप्त हो गए, अहमद शाह अब्दाली चल गया, अंग्रेजों ने क्या कि बाहर भाई किस्मत, समझा कि नहीं गया समझा, मराठे जीत गए मराठों को, मराठे यहां हार गए। अब अगली नंबर था मुगलों को हराने का, जो मुगल यहां मान्यता दे रहे थे अब मुगलों को हराने की बारी थी। तो जस्ट 1764 बक्सर का युद्ध, कौन सा युद्ध बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध में इन्होंने किसे हरा दिया मुगलों को, शाह आलम द्वितीय मुगल को हराकर पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। अब अंग्रेजों को हराने वाले लड़ने की जरूरत ही नहीं किसी से लड़ने की जरूरत ही, सब कब्जा कर लिया सब अंग्रेज सिस्टम। अब किससे लड़ेंगे सब बोलिए ना, मराठा हार गए, मुगल हार गए, बंगाल के निजाम हार गए, डच को भगा दिया, फ्रांसीसियों को हरा दिया, पुर्तगालियों से ब्याह कर लिया, बाकी कोई अंग्रेज कंपनी में इतनी ताकत ही नहीं थी, और ब्रिटेन वाले सब पूरी तरह से कब्जा कर लिए सब। इसके बावजूद वो राजा नहीं बने थे, उनको कहना था हमको पैसा चाहिए, क्या चाहिए
क्योंकि वहां जनसंख्या ज्यादा नहीं है ब्रिटेन में, इसलिए ज्यादा क्षेत्रफल उसी को चाहिए जिसका पास ज्यादा जनसंख्या है, उसको चाहिए पैसा। पैसा लेके गया सो यहाँ, जितना पैसा लूट के ले गए सबना, ऊपर वाला मतलब क्या बताए, बहुत तुम सब लोग दुआ मांगना लो हिटलर के लिए, उसको खूब मतलब आशीर्वाद देना। जितना पैसा भारत से लूट के ले गया था ना, वो हिटलर युद्ध में सब फूकवा दिया,